आज हम इस कार्यक्रम में बिल्कुल सीधी डंडियों से एक हाइपरबोला बनाएंगे। इसके लिए आपको 32 सीखे चाहिए, 16 लाल और 16 पीली, और कुछ अच्छी क्वालिटी के रबर बैंड्स चाहिए। सबसे पहले आप एक पीली और एक लाल स्टिक को आप रबर बैंड से बीचों बीच जोड़ करके एक क्रॉस बनाएं। बस ये सुनिश्चित करें कि लाल वाली सींख जो है वो ऊपर हो। इसी तरह से देखिए दूसरी जोड़ी भी बना रहे हैं। रबर बैंड को इसके मध्य में लेकर के आते हैं और ये एक और क्रॉस बन गया। अब पहले और दूसरे क्रॉस को भी हम आपस में जोड़ सकते हैं रबर बैंडों से। तो इस तरह से ये श्रृंखला लंबी बनती जाएगी, एक तरह की एक बाउंड्री बन जाएगी। जैसे एक ज़माने में बच्चों का एक सांप होता था, फैलने वाला एक्सपेंडिंग स्नेक, उस तरह का ये एक लेजी टोंग्स बन जाएगा। ये देखिए, ये श्रिंक कर सकता है और एक्सपेंड कर सकता है। अब इसी क्रम के अंदर हम बहुत सारी सींकों को, लाल और पीली को जोड़ करके एक लंबी सी एक श्रृंखला बनाएंगे। ये अभी भी आधी है। अब हम सारी 32 सींकों को जोड़ करके 16 लाल 16 पीली एक जोड़ करके एक बहुत ही लंबी बाउंड्री बनाएंगे। ये देखिए, फैल करके बहुत बड़ी हो सकती है और सिकुड़ करके एकदम छोटी हो सकती है। इसके दोनों सिरे हैं, खुले सिरे, इन दोनों को पास लाइए और उनको भी रबर बैंड से जोड़ दीजिए। एक तरह का एक बेलनाकार एक ढांचा बन जाएगा। और इनमें देखिए, हर एक में आप देखेंगे तीन ही रबर बैंड लगे हैं, एक ऊपर, एक मध्य में और एक नीचे। अब जो ऊपर वाले रबर बैंड हैं उनको नीचे स्लाइड कर दीजिए, जिससे ऊपर और जगह हो जाए, और उस स्थान पर एक और रबर बैंड ऊपर लगा दीजिए। उसी तरह से एक और रबर बैंड नीचे लगा दीजिए, तो नए ढांचे में तीन की बजाय 5 रबर बैंड हो जाएंगे। ये देखिए, ऊपर वाला रबर बैंड लगा रहे हैं और इसी तरह से हम नीचे भी रबर बैंड लगाएंगे। अब ये जो जाली का जो नाप है, जो हमको ये बर्फी जैसा नमूना दिख रहा है, ये छोटे छोटे होते जाएंगे। और इस आप ढांचे में देखिए कि 5 रबर बैंड कि ये ट्रेलिस है। अब फिर आप ऊपर से रबर बैंड को नीचे स्लाइड कीजिए और एक एक और रबर बैंड लगा दीजिए, एक ऊपर और एक नीचे, 2 और रबर बैंड जुड़ जाएंगे, तो 5 के बजाय देखिए ये 7 रबर बैंड का आपका ढांचा बन जाएगा। और कितना मज़ेदार ढांचा है ये, ज़रा देखिए, इसको आप फैलाइए और तो बहुत सुंदर लगता है फैलने के बाद में, और जैसे ही छोड़ते हैं तो दोबारा ये बेलनाकार बन जाता है। इसकी ऊंचाई वो देखने में बिल्कुल एक गोलाकार एक फ्रेम जैसा दिखाई देता है, बहुत ही सुंदर। और ये ढांचा आप भूलिए नहीं, बिल्कुल सीधी सींकों का बना है। और इसके दाएं ओर आप देखेंगे तो आपको एक हाइपरबोला दिखाई देगा, जो एक कर्व है, एक वक्र है। और ये ढांचा 9 रबर बैंड का बना है, यानी ज़्यादा पुख्ता है। इसके जो बर्फियाँ हैं और छोटी हो गई हैं, इसको खींचने में बाहर की ओर आपको ज़्यादा दम लगेगा, और जैसे इसको छोड़ेंगे ये फिर ऊपर नीचे होता रहेगा। इससे खेलने में ये देखिए, दाईं ओर ये वक्र है जिसको हाइपरबोला कहते हैं। और ये हाइपरबोला बना किसका है? ये सीधी सींकों का बना है, जो उत्तर भारत के अंदर मूढ़े बनाते हैं उनको हाइपरबोला का ज्ञान बहुत पहले से था। और कितना सुंदर देखने में फ्रेम लग रहा है, इसको जैसे ही छोड़ते हैं तो ये बिल्कुल एक चिमनी जैसे खड़ा हो जाता है। इस ढांचे से खेलने में आपको बेहद आनंद आएगा। और एक बड़ी सी गेंद लीजिए और इसको इसको टिका दीजिए, क्यों है ना मज़ेदार? वर्ल्ड कप की ट्रॉफी, इससे बेहतरीन क्या ट्रॉफी हो सकती है? और इसको आप नीचे दबाइए तो गेंद गिरती नहीं है, ये ढांचा उसको जकड़े रहता है, पकड़े रहता है। ये देखिए, और देखिए बहुत से लोग इस तरह के जो चने मुरमुरे बेचते हैं, पानी पूरी बेचते हैं, इस तरह का खोमचा लगा लेते हैं, बिल्कुल सरकंडों का बना हुआ,